Very good afternoon, ladies and gentlemen of you all. On behalf of JGH Group, I request all our guests in the pre-function area to kindly join us inside and put your mobile phones on silent mode. We are about to begin with. So, of course, we are here for India's number one men's innerwear brand. और हमने सोचा कि let us special, let us offer a special new sub-brand name, a new name, a new TVC, and lot more new happening. So ये सारी चीजें एक surprise है. ये धीरे-धीरे, जैसे-जैसे ये what we're gonna do is सभी के right हाथ ऊपर, सभी के right हाथ ऊपर, and we're gonna make it a fist. हाथ बंद कर लीजिए, मुट्ठी, क्योंकि हम सब एक मुट्ठी बनकर काम करते हैं. And let us do, are we all excited? Yes. Are we all excited? Yes. So JC, let us start with this special day. और बात करते हैं हम, about the new things, the new offering that we have. Actually, we'll talk in detail about the products. We'll talk in detail about the TVC in a short while. But talking about our GGH Group, जो पूरे अग्रसर के साथ आगे बढ़ता रहता है और इसी विश्वास के साथ that we provide the best innovation, the best quality of products in the best possible prices to the industry. तो इसी आइडिया के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ हम सब एक परिवार मिलकर आगे बढ़ते रहते हैं. That's absolutely right. और भाई, माचो is one of the leading brands of the world. और इंडिया में नंबर वन है, आप सब जानते हैं. और इसके अलावा, टू कम अप विद अ ब्रांड एम्बेसडर लाइक टाइगर श्रॉफ इज समथिंग रियली टू लुक फॉरवर्ड टू. बीइंग द यूथ आइकन ऑफ इंडिया, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हंक ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वी आर सो प्राउड टू हैव हिम इन आवर बैग एंड इन आवर एसोसिएशन. सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टाइगर एवरीवन. अच्छा, ये तुम्हें पता है ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माचो? मीनिंग ऑफ माचो, well, if I go by the dictionary, it is strength and courage with aggression. Strength and courage with aggression. That's nice. और हिंदी में क्या कहा जाता है? माचो का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में, well, जैसे मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर excited to make Tiger Shroff, are we all excited? Okay, पर मैं उनको अभी नहीं बुलाऊंगी. मैं अभी उनको नहीं बुलाने वाली. उन्होंने कहा है कि देखिए थोड़ा सा और ज्यादा आवाज और हंगामा आना चाहिए हमारी ऑडियंस में, तो तभी उनको हम यहाँ पे बुलाने वाले. आई थिंक इट्स टाइम टू किक स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफिशियली. और जैसा कि मैं मोड देख सकता हूँ, पहले आप सत्यनारायण की कथा मोड में थे, अब थोड़े से पार्टी मोड में आ रहे हैं. एक बार वंस मोर कैन वी मेक सम नॉइस फॉर दिस वंडरफुल डे एवरीबॉडी. Well, ladies and gentlemen, let us begin with this the official happenings for the event. I'd like to invite a very special man, the man who has been the visionary and directional for our JGH Group. We know him, we all know him, we all love him. Please put your hands together for the man himself. एक बार मैं चाहूंगी हमारी पूरी JGH family एक बार खड़े होकर मिलकर जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारे डायरेक्टर मिस्टर संदीप सक्सेरिया जी का. लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. एवरीवन, वेलकम हिम ऑन द स्टेज विद अस. संदीप जी का एक ख्याल है कि हम अपने JGH ग्रुप फैमिली में कोई भी कार्य ऊपर वाले का नाम लिए बिना नहीं करते हैं, तो हम आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विद अ स्पेशल गणेश वंदना बाय मोती मनी सिंह जी, आवर चैनल पार्टनर फ्रॉम मुंबई. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोती जी टू जॉइन अस ऑन द स्टेज फॉर द गणेश वंदना. धन्यवाद दीप्ति जी, आप सबको नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि नमः, सब प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सप्रथम प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गौरी गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच मोती जी सर, वी लीव इट अप टू यू। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सारा माचो परिवार और पूरे मीडिया ग्रुप को मैं नमस्ते करता हूँ। आज की ये जो सेल्स मीट है ये हमारे लिए काफी खास है। आज से 13 साल पहले 2005 में हमने आगरा में एक सेल्स मीट की थी जहाँ पर हमने माचो को लॉन्च किया था। वैसे ही आज यहाँ 2018 में अपने एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, माचो से ही जुड़ा हुआ एक नया ब्रांड। ये नए ब्रांड के पीछे में अपनी क्या सोच है? आज अपना जो इनरवेयर इंडस्ट्री होता जा रहा है ये फैशन की तरफ मूव कर रहा है। क्या तो अपने पास में ऐसे फैशनेबल ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम हैं या जो प्रॉपरली ब्रांडेड नहीं है? आज मार्केट को एक ब्रांडेड फैशनेबल ब्रांड चाहिए विच इज ऑल्सो एफोर्डेबल, जो कि एक जनरल आदमी को आराम से कई बार खरीद सके। और जब अपने बात करते हैं निटवेयर की तो उसके अंदर में इनर वेयर कैजुअल वेयर सब आता है। अपने इस कैटेगरी के अंदर में 2 साल पहले एंट्री लिए थे और जेड सीरीज का अपने प्रोडक्ट बनाए, जो अपने को एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि ये प्रोडक्ट अपना अच्छा चल सकता है अगर उसके अंदर में सही तरीके से जो अपने को डेवलपमेंट करने की जरूरत है अगर वो करे। उसी को ध्यान में रख के ये अपने एक नया ब्रांड लॉन्च किए हैं और अगले 2 साल तक अपना ये टारगेट रहेगा कि इस ब्रांड को अपने को जैसे अपने माचो को सक्सेसफुल किए हैं, जैसे अपने अमूल को सक्सेसफुल किए हैं, इसको अपने कैसे सक्सेसफुल करें। इसके लिए कंपनी को, आपको कंपनी से जो सपोर्ट चाहिए कंपनी वो सपोर्ट आपको देगी। अगले 2 साल तक अपना यही टारगेट है कि इस ब्रांड को अपने को सक्सेसफुल करना है, पहले इनरवेयर में फिर कैजुअल वेयर के अंदर में। कौन कौन उसके लिए रेडी है? बस हाँ, किनू आप? टारगेट 2020, अपने को इस ब्रांड को एक जगह पहुंचाना है। विवेकानंद जी एक कोट बोलते थे, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड, राइट? किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसका मतलब है, राइट और रॉन्ग? थैंक यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। को रिवील कर दे जो अब हमारे माचो के आगे जुड़ने वाला है।
वो एक खास नाम उसको ढूंढने में बहुत लंबा प्रोसेस चला था. वेल आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस सर. बहुत लंबा प्रोसेस था कैसे नाम ढूंढे, क्या नाम रखे, ऐसा एक नाम जो हमारे माचो के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, बट एट द सेम टाइम इट इज़ यू नो अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इन इट सेल्फ. सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सर्चिंग दिस नेम जो हमारे प्रोडक्ट्स को जस्टिफाई कर सके. सो क्या कहते हैं वो नाम फाइनली रिवील किया जाए? बिल्कुल अनवील किया जाए. इतनी नेकी और पूछ सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सो लेडीज जेमिन अपनी दिल की धड़कनें थाम के रखिए, क्योंकि आपके सामने आने जाने वाला है वो एक खास नाम जो हमारे माचो के साथ जिंदगी भर आगे जुड़ के रहेगा. सो विदाउट माचो 2, 3, 2, 1 एंड कैन वी हैव द न्यू लोगो नेम लव विद माचो. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Macho Hint, fashion bade aaram se. Coming up with all newfangled entire series of briefs, vests, and all the lovely products in the innerwear world. Kaisa laga naam Macho Hint? Badhiya? Acha? फैशन एक्सलेंट, फैशन बड़े आराम से. तो चलिए अब हम उन शख्सियत को यहाँ पर बुलाते हैं जिनकी फोटो आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बिल्कुल, और मैं अब उनको बुलाने जा रहा हूँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द यंगेस्ट हार्टथ्रोब ऑफ द नेशन, अ हैंडसम हंक, द ब्रांड एंबेसडर ऑफ माचो. And of course, he is a 5th-degree black belt in taekwondo. He's a wonderful dancer. He's a wonderful actor. And ye Hindustan ki yuvaon ki dil ki dhadkan hai. And we are privileged to have him here today. So, aap sab mere saath zor se bolenge. Kya bolenge? 1, 2, 3. Tiger! 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 Come on! Itni si excitement apne brand ambassador se milne ke liye. Are we all excited? Then 3, 2, 1. Tiger! क्या बात है, आप सब यहाँ पे शेर लग रहे हैं मुझको यहाँ पे. तो चलिए दोस्तों, without much ado, please put your hands together for our brand ambassador, none other than Tiger Shroff. I think this is the first ever time that you get to meet a family of Macho, the family of JGH. ये सभी लगभग पिछले डेढ़ साल से इंतजार कर रहे थे इस दिन का. हर रोज मिन्नतें करते थे, हर रोज पूछते थे संदीप जी से कब हमें टाइगर से मिलने का मौका मिलेगा, और आज साक्षात आप उनके सामने खड़े. So how does it feel being a part of Macho? Over to you. सबसे पहले आप सबको नमस्ते. एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ. मुझे वो एक्चुअली गिफ्ट किया गया वो ब्लैक बेल्ट कोई फंक्शन में. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड यहाँ आकर खासकर बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि यू नो इट्स अ बिग डे फॉर माचो एंड द कंपनी. एंड आई एम वेरी वेरी यू नो प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी. सो थैंक यू सो मच माचो. एंड या थैंक यू फॉर हैविंग मी. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच टाइगर.
टाइगर, इससे पहले हम आपसे कुछ और बातचीत करें, कुछ सवाल मैं पर्सनल पूछ सकता हूँ? एक दोस्तों वाला सवाल। इतनी लड़कियां आपके पीछे पागल हैं? Really? Come on, girls. Whoa, yes, we are, of course. हाँ, ये सवेरे से तैयार हो रही है। मैं कल से तैयार हो रही हूँ। कल से मतलब मेकअप, ड्रेस आयरनिंग, ए वो। सो क्या रीजन क्या है इतना? थोड़ा सा टिप्स वगैरह, जवान लड़के आए हुए हैं काफी सारे। उसके लिए जैकेट उतारना पड़ेगा सर। Oh, do you want to see that? Do we want to see that? Yes. No, ever since I joined Macho, really, it's the Macho banyan that I keep wearing all over the place. That's wow. Right. That's so right. So Tiger is wearing one of our new variant of Macho Hint. Dekhna chahenge? Dekhna chahenge? Dekhna chahenge? Tiger, what do you say? Itni jaldi? Itni jaldi. चलिए थोड़ा सा इंतजार, वेट फॉर अ बिट। लेट्स वेट फॉर अ बिट। ओके टाइगर, टॉकिंग अबाउट योर स्टांस, योर मूव्स, योर डांस मूव एंड योर एफर्टलेस एक्शन दैट यू डू, बिना किसी मेहनत के बड़े ही आराम से आप फैशन भी करते हैं और अपना एक्शन भी करते हैं, सारे एक्शन सीन्स इन योर मूवीज एवरीवेयर। सो राज क्या, मतलब आई मीन व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड सो मच ऑफ एनर्जी एंड एफर्टलेस एक्शन? आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है, कारण है, इज़ दैट यू नो मैं हर चीज़ को लेकर आई वर्क वेरी हार्ड, बी इट एक्शन या डांस, काफ़ी रिहर्सल्स करना पड़ता है, एंड दोनों एक्शन और डांस एक्चुअली इज़ लाइक अ कोरियोग्राफी, तो आई ट्राई टू मेक इट एज एस्थेटिक एंड ब्यूटिफुल फॉर द ऑडियंस टू सी इट व्हेन इट कम्स ऑन स्क्रीन। तो आई थिंक जस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ हर चीज़ को लेकर, तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न। Absolutely. And जब हम बात करें हमारे Macho Hint जिसका tagline है fashion बड़े आराम से, so what does fashion mean to you? How well do you relate with fashion, especially when it comes to the inner wear? How important is fashion? I think for me fashion, मेरा जो personal style statement है, fashion statement है, वो है कि you know just like how Macho says live life बड़े आराम से, it's all about being comfortable in what you're wearing, and I think Macho has that comfort and has the style element as well, so it's a perfect blend of all these things really. Absolutely. And haan ji, taaliyan baja sakte hain ji, khol ke taaliyan bajaiye. And Tiger, mera ek to sawal hai, ka sawal hai, puchhe zara. Mera question ye hai ki aapne, you have spent so much of time in learning taekwondo martial arts, you have spent so much of time in learning dance also, and who has been your source of inspiration if we talk about dancing or martial arts? बचपन से मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ब्रूस ली और माइकल जैक्सन, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर यू नो एक्सट्रीमिस्ट इन देयर ओन फील्ड्स, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है आई हैव बीन यू नो फैंस ऑफ बोथ ऑफ देम। और अगर बॉलीवुड की बात अगर करें तो आई थिंक मैं ऋतिक रोशन से काफ़ी इंस्पायर हूँ। अच्छा, रियल लाइफ में भी कभी कुछ एक्शन सीक्वेंस हुआ है आपका किसी के साथ? स्कूल में मार बहुत खाता था मैं, बचपन में मार बहुत खाता था मैं, पर लकली आई एम अ वेरी फास्ट रनर, सो आई स्टिल ऑलवेज रन अवे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टिल गेट अवे। अच्छा टाइगर, वन लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर वी मूव अहेड टू द प्रोसीडिंग्स, आपका हीरोपंती को फेमस डायलॉग आती जाती वाला, वो अगर आप सुना दे हमको तो। उसकी तो 5 साल हो गए, भूल भी चुका हूँ मैं। जितेश याद लाएगा, जैसी व्हाट आती जाती डायलॉग हीरोपंती। हाँ, क्या बड़ी हीरोपंती तक करता है तू, हैं? अब क्या करूं, सबको आती नहीं और आप सबकी जाती नहीं। वाह, इनकी जाती नहीं है, क्या बात है। आई थिंक हीरोपंती वाज द बेस्ट टाइटल फॉर योर फर्स्ट मूवी। थैंक यू और बिल्कुल हीरोपंती आपके अंदर पूरे ऊपर से नीचे तक है, स्टाइल है, ग्लैमर है, एक्शन है, फैशन है, सब कुछ है, फैशन है। एब्सोल्युटली। तो चलिए टाइगर, आप पोलैंड गए थे, वॉर्सो में पोलैंड गए थे हमारा नया टीवीसी शूट करने के लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारी ऑडियंस को वो टीवीसी दिखाते हैं जिसके पीछे इतनी मेहनत लगी थी, इतने दिन लगे थे उसको शूट करने में, एंड फाइनली वी हैव कम अप विद अ ग्रेट प्रोडक्ट। सो आई लाइक टू इनवाइट आवर डायरेक्टर मिस्टर संदीप सक्सेरिया ऑन द स्टेज विद अस टू फाइनली रिवील आवर न्यू टीवीसी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर संदीप सक्सेरिया, प्लीज।
Abhishek Abasti joining us from Sideways, the creative mind behind making the TVC. Welcome, Keenu. So, Keenu, Mr. Sandeep, Tiger, इन तीनों की ये तीनों वो pillars हैं जो इस TVC के पीछे जितनी मेहनत लगी है, the creative mind, the thought process, and Tiger, the man behind the TVC. इन तीनों की मेहनत से ये TVC आज यहाँ पे possible हुई है कि हम आपको दिखा सकें. तो launch थोड़ा सा अलग अंदाज भी करेंगे. ये जो podium आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लाल buzzer आप देख रहे हैं, ये है हमारे TVC का रास्ता. So I would request everybody to kindly proceed towards the buzzer, press it, and finally reveal the new TVC of Macho Hind. So ladies and gentlemen, zordaar taaliyan bajni chahiye for a new TVC. Let's have a huge, huge round of applause. And 3, 2, 1. Here we go. Look formidable, so look formidable, cooler sand. Macho Hind, fashion, बड़े आराम से. Wow! एक मिनट. एक और बार देखना है. Once more की आवाजें आ रही हैं वहाँ से audience से. Can you have the TVC once more, please? Look formidable, so look formidable, cooler sand. The experience of the new TVC. So a lot of guys ask me one question: why Tiger is a brand ambassador? Why Tiger? And my one answer is, you tell me who can be better. Woo. That's right. So this is what Tiger is for us. So Tiger, today we have launched a new brand, Hind. So it's Macho Hind. You want to know what this brand is all about? Okay. So you and we are working in the same space. You are selling entertainment and we guys are selling apparels. There's a big audience in this country which wants world-class thing, but with a Indian touch. And which is affordable to the audience. So this brand we are talking about is going to work in that space. Exactly where the top Bollywood movies are today working. We have the masses of the country which wants products, but at world-class. So that is exactly the idea about Macho Hind. What else you want to talk? Well, Tiger, we'd like to know कि आपका experience कैसा रहा इस TVC को shoot करते वक्त. कितना मुश्किल या tough था ये जो cartwheels वगैरह ये सब आपने किए हैं Poland में tube station के अंदर जाकर. So how was the experience while shooting this and how connected do you feel to this new piece of communication? Well, experience की बात करें तो बहुत ही मज़ेदार रहा. It's something very different, something that I haven't done before. You know, the concept, बहुत ही interesting concept है, as you guys saw. Blending into each environment, blending into each poster. अगर आपने note किया तो you've seen the different styles of macho. You know, the macho vests. 1, 2, 3.
थ्री गो स्टार्ट साइलेंस एवरीवन. टाइगर ब्रांड मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप इंडोर्स करने लगे हैं, इसके बारे में पहले क्या बताना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है. आई थिंक खासकर बागी टू के बाद काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, काफ़ी फ्रॉम द वेब ब्रांड्स माई वैल्यू हैज़ गॉन अप आई थिंक बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ बागी टू खासकर. तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं और बहुत ही थैंकफुल हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर सीइंग बिलीविंग इन मी एंड थिंकिंग दैट आई कैन हेल्प देम रिप्रेजेंट देयर ब्रांड. व्हाट एक्साइट यू टू चूज दिस लाइक माचो? माचो के बारे में अगर बात करें तो खासकर मैं ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उनकी जो फिलॉसफीज थे, उनकी जो जो टैग लाइन है बड़े आराम से, आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू. इट्स अ ब्रांड आई बिलीव इन. एंड कितना प्राउड मानते हैं क्योंकि हम मांचो में देखते हैं कि सलमान जैसे ब्रांड एम्बेसडर, अजय देवन, उसी फैमिली में आप जुड़ गए हैं. आप लगता है कहीं ना कहीं एक स्तर पे आप पहुंच चुके हैं कि इनके साथ आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. खासकर ये आई थिंक सलमान सर और ये जितने भी नाम आपने अभी मेंशन किया जी, बहुत बड़े स्टार्स हैं और काफ़ी समय से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं. बट मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट ब्रांड. Tiger, your next film is also a very interesting lineup. You have Student of the Year too, and you also have the film with Hrithik as well, with Vani as well. So there were some reports coming out that probably you had a no kissing clause which you had to break for the Student of the Year too, if you would like to clarify on those reports. Well, I think that's just a rumor really. If you've seen any of my films, then you know, not that I've deliberately you know done it, but every one of my films has had a kiss. And yeah, but it's not something I really focus. If the story demands it, you know, it's not a problem. As actors, I think we have to be open to such things. Talking about future films, there were also other reports saying that probably you're in talks with Sanjay Leela Bhansali. If there's any clarification on those? You know, he was just kind enough to sort of meet me, but we haven't. There's nothing that's been official or anything. Just you know, a courtesy meeting, and I'm a big fan of his work. Excited for Tiger, aapne Baagi 3. Excited for Baagi 3. फिलहाल तो टाइम है उसके लिए. फिलहाल SOTY2 और ऋतिक वर्सेस टाइगर, देयर इज नो टाइटल टू दैट फिल्म, बट आई एम बिजी विद दीस टू फिल्म्स. ऋतिक व्हाट्स दैट रिपोर्ट्स अ रूमर दैट यू नो यू आर गोइंग टू हैव अ फेस ऑफ विद ऋतिक इन द मूवी, अ डांस फेस ऑफ, इज दैट ट्रू? वेल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पिन पॉइंट दैट. वी हैवंट रियली क्रिएटेड दैट सॉन्ग येट. But there's an interesting situation in the film where, you know, both of us come together on the dance. And also rumors are there that, you know, he's playing a guru of yours. Well, yeah, we had sort of publicized the film that way when we had announced it on Twitter, on social media. So, yeah, I think that's already out there, yeah. Done? टाइगर कितने खुश हैं आप जिन्हें आप मेंटर मानते हैं ऋतिक को, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है? आप हमेशा से कहते रहे हैं कि वो आपके आइडल हैं, आइकन हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरे लिए खासकर एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है. मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, यू नो बिग फैन ऑफ हिम. और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे और बहुत ही एक्साइटेड हूँ. अक्टूबर से हम एक्चुअली साथ में शूट करने वाले हैं तो excited for that. Yeah. Tiger, do you want Ritik to be easy on you as a youngster? You want him to be as tough as ever? I want him to be at his best, yeah. And he's always at his best. I don't think he'll ever go easy. टाइगर एक और सवाल कि हाल ही में एक दिशा और ऋतिक के को लेकर एक खबर थी जिसपे दिशा ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और ऋतिक ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे उस तरह के रूमर्स पर? आई थिंक एक पार्ट एंड पार्सल है. आई थिंक एवरी स्टार नॉट जस्ट ऋतिक सर फेसेस दैट. आई थिंक इफ वंस यू ऑन द लाइमलाइट यू नो यू बिकम एन ईजी टारगेट. हालांकि बहुत ही सिली रूमर था वो और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो यू नो देयर नथिंग लाइक दैट. आई मीन देयर बोथ लवली ह्यूमंस. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच.